अस्सलाम वालेकुम सेवंथ क्लास स्टूडेंट्स, देखो बेटा कल आपने देखा ये पेज नंबर 121 पर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती है जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बनाती हैं, आपने पिछले वीडियो में वो भी देखा है। फिर है ट्रांसवर्सल, जो लाइन दो लाइनों को काटती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ये हमने कल सीखा। फिर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो फिर हमने देखा उधर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये हमने कल देखा पेज 121 पर। आज हम देखेंगे ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है, हाँ पेज नंबर ऊपर लिखा है 125 126, उसी पर हम बात कर रहे हैं आज। तो पैरेलल लाइंस आपको पता है जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है उनकी डिस्टेंस आपस में बराबर होती है, वो कभी नहीं मिलते हैं, दे आर नो कॉमन पॉइंट, ये आपने सीखा है। यानी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर्स पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, टू आर मोर पैरेलल लाइंस, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये एंगल्स बराबर होते हैं, जो हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे थे वो यहाँ बराबर होते हैं। मैंने ये दो चार लिखे हैं, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, आप शक्ल में भी देखोगे, यस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यस हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 8, 3 इज इक्वल टू 7, चार पेयर्स हैं वो कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स की। और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो दो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, वो उनका एड होता है 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस। और एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। तो फिर हमने इधर ये क्वेश्चन किया एक्सरसाइज का 5.2, आपको ज़्यादा चिंता होती है एक्सरसाइज की, लेकिन पहले ये बेसिक्स सीखने होते हैं, एग्जाम्पल्स देखने होते हैं, इन पेजेस को गौर से देखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी होती है, एक्सरसाइज करने में फिर आसानी होती है। देखो इधर ये लाइन बनी है ए और बी, ये पैरेलल है, अब हमें बताता है ये ए पैरेलल बी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, शक्ल में देखेंगे 1 इज इक्वल टू 5, ये क्या है, यस ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मैंने इधर लिखा है दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर 4 और 5 बराबर है तो ए पैरेलल बी के, तो इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, 4 प्लस 5 180 डिग्री के बराबर है, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हाँ वो 180 डिग्री के बराबर होता है, आपने एग्जांपल में देखा है, पिछले पेज में देखा है 126 पर। तो इधर आपको आसानी होगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ये जो एग्जाम्पल्स है बाकी पेजेस जो है 125 126 127 उनको गौर से देखो। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इधर शक्ल बनाई गई है जो आपने एग्जाम्पल सीखा है पहले वाले वीडियो में, उसमें लिखा है, तो आप इधर देख सकते हो ये आइडेंटिफाई करने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो 4 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 5, यस यस, 3 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 6, आप ये देख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 8, यस। इसी तरह अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 3 प्लस 8, हाँ शक्ल में देखना है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखने हैं, 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हाँ। फिर दूसरी जगह पर जाएंगे, 5 7 के बराबर है, 6 8 के बराबर है, यस यस, गुड 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 गुड, शाबाश बेटा, इसको गौर से देखना और ये एग्जाम्पल्स गौर से देखना, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से करना। थैंक यू वेरी मच।